हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थिंक एंड आंसर ऑफ द चैप्टर द नेकलेस। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आंसर्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू थिंक माथिल्ड फेल्ट व्हेन शी लर्न्ड दैट द नेकलेस वाज एन इमिटेशन। तो माथिल्ड को उस वक्त कैसा फील हुआ होगा जब उसे ये पता चला कि जो नेकलेस उससे गुम हो गया था वो नेकलेस एक रियल नेकलेस नहीं था, वो फेक नेकलेस था। आंसर, शी मस्ट हैव एक्सट्रीमली शॉक्ड एंड फेल्ट बैड फॉर हरसेल्फ बिकॉज इट वाज द फेक नेकलेस ड्यू टू व्हिच दे हैड टू स्पेंड वेरी हार्ड एंड मिजरेबल लाइफ। तो जिस वक्त माथिल्ड को ये पता चला कि वो नेकलेस फेक था, इमिटेशन था, तो वो जरूर उस वक्त बहुत शॉक्ड हुई होगी और उसे खुद के लिए बहुत बुरा भी फील हुआ होगा, बहुत बुरा लग रहा होगा कि एक फेक नेकलेस के लिए उन लोगों को मतलब कितनी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। They had to spend very hard and miserable life और उन लोगों को काफी टफ लाइफ और काफी मिजरेबल लाइफ जीनी पड़ी सिर्फ उस एक फेक नेकलेस की वजह से, और वो भी क्या था, वो एक फेक नेकलेस था। क्वेश्चन नंबर 2, what would have happened if Mathilde and her husband had told Madame Forestier that the necklace was lost? What difference would this have made to their lives? तो अगर माथिल्ड और उसका जो हस्बैंड है वो अगर मैडम फॉरेस्टर को बता देते कि जो नेकलेस माथिल्ड ने मैडम फॉरेस्टर से बोरो किया था वो गुम हो चुका है तो क्या होता, और ये बताने के बाद उनकी लाइफ में क्या डिफरेंस आ सकता था। आंसर, if Mathilde and her husband had told Madame Forestier that the necklace was lost, so she must have told them that it was an imitation. तो अगर माथिल्ड और उसका जो हस्बैंड है लॉइजेल, अगर वो दोनों बता देते मैडम फॉरेस्टर को कि नेकलेस जो है वो उनसे गुम हो चुका है, तो मैडम फॉरेस्टर जरूर उन लोगों को बता देती कि अच्छा कोई बात नहीं, वो जो नेकलेस है अगर गुम हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो कोई रियल डायमंड नेकलेस तो था नहीं, वो बस एक इमिटेशन था, एक फेक नेकलेस था। The difference this would have made is that they wouldn't have gone under so many debts and had saved from living a miserable life. और इससे उनकी लाइफ में ये डिफरेंस आता, ये फर्क पड़ता कि उनको इतने सारे कर्जे में नहीं जाना पड़ता। मीन्स उस नेकलेस को खरीदने के लिए बहुत सारा कर्जा लेना पड़ा था उन दोनों को, तो वो कर्ज नहीं लेना पड़ता उन लोगों को और वो लोग एक मिजरेबल लाइफ मीन्स दुखी जीवन जीने से भी बच जाते। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक दैट माथिल्ड एंड लॉइसेल शेयर्ड अ गुड रिलेशनशिप? Explain with examples from the text. तो क्या आपको लगता है कि माथिल्ड और लॉइसेल जो है वो एक अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते थे, मींस उनका रिलेशनशिप अच्छा था? Explain with examples from the text. Answer: Yes, Mathilde and Loisel shared a good relationship because they have supported each other in their bad times. For example, Mathilde have washed pots and pans and clothes. She had to sweep and scrub and bring up water and carry down sweepings, bargained, wrangled, and fought for every sou. Similarly, Loisel have spent evenings doing extra work and many nights copying papers at 5 sous a page. In this way, they paid off all the debts together. Yes, माथिल्ड और लॉइसेल जो है वो एक गुड रिलेशनशिप शेयर करते थे, उनका रिलेशनशिप अच्छा था क्योंकि जब उनपे बुरा वक्त आया तो उन दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे का साथ दिया। और साथ किस तरह दिया कि पैसे इकट्ठे करने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए दोनों ने मिलकर काम किया। लाइक माथिल्ड ने पॉट्स पैंस क्लोथ्स धोए, उसने स्वीपिंग की, स्क्रबिंग की, उसने पानी भी धोया और यहाँ तक कि जो स्वीपिंग्स होती हैं उसे भी कैरी डाउन किया। एवरी सू के लिए उसने बार्गेन किया, मीन्स तोल मोल किया, झगड़े किए। और सिमिलरली उसी तरह से लॉइसेल ने भी अपने बहुत सारी इवनिंग्स जो है वो एक्स्ट्रा वर्क करके गुजारी, बहुत सारे नाइट्स जो है वो पेपर कॉपी करते करते गुजारा एट 5 sous अ पेज जस्ट टू अर्न मोर मनी सो दैट वो लोग जो उनका जो डेप्ट है वो उसे पे कर सके। तो इस तरह से उन दोनों ने काफी हार्ड वर्क करके, एक दूसरे का सपोर्ट करके और दोनों ने इक्वली हार्ड वर्क करके अपना जो भी कर्जा था वो सारा पे किया, वो सारा पेड ऑफ किया। तो इस तरह से ये समझ में आता है कि माथिल्ड और लॉइसेल जो है वो दोनों एक अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए काफी सपोर्टिव थे। सो दैट्स ऑल। होप आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।